पंजाबी और बॉलीवुड के मशहूर सिंगर सुखविंदर सिंह, जिनके गानों को दर्शक काफ़ी पसंद करते हैं, आज उनके जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने पार्टी रखी और गाना गुनगुनाकर हमारे संवाददाता से की खास बातचीत। बॉलीवुड में कोई शायद ही ऐसा सिंगर होगा जिन्होंने इतना नाम कमाया, छैया छैया से लेकर उड़ी उड़ी जाए तक। एक बेहतरीन बॉलीवुड और पंजाबी सिंगिंग का सफ़र रहा, जिन्होंने और भी बहुत सारी भाषाओं में गाना गाया है। तो आइए आज उनसे रूबरू होते हैं। उनके जन्मदिन के मौके पर आप समझ ही गए होंगे मैं किनकी बात कर रहा हूँ। मेरे साथ है सुखविंदर सिंह जी। हेलो, हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। आप सबको मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सर, बर्थडे के मौके पर क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस को? जन्मदिन की सेलिब्रेशन जो होती है, ये किसी भी लेवल पे हो, गांव में हो, मीडिया के साथ कनेक्टेड हो, सेलिब्रेशन एक सेलिब्रिटी की हो, किसी की भी हो, स्पेशल सबके लिए होती है। कॉमन पर्सन के लिए हो, कोई किसी रईस ज़्यादा की भी हो, बट बेसिकली खुशी एक ही जैसी होती है। मैं उन लोगों को भी अभी जन्मदिन की मुबारकबाद देता हूँ जो 18 जुलाई को पैदा हुए हूँ। दे आर द स्पेशल। 18 जुलाई इटसेल्फ इज़ अ वेरी स्पेशल डे टू मी, आल्सो टू एवरीवन हु दे हैव बॉर्न ऑन द सेम डे। एंड जन्मदिन पे हम लोगों ने एक म्यूजिकल, पूरा बैंड यानी पूरे मेरे फ्रेंड्स सर्कल में सारे के सारे टैलेंटेड हैं, ऑल ऑफ देम दे आर रियली वेरी स्पेशल टैलेंट हैं। सब हम लोग हिल स्टेशन जा रहे हैं और वहाँ खूब सारा गाएंगे। इवन आई एम गोइंग टू प्ले सम पर्कशन, समवन इज़ गोइंग टू सिंग, गज़ल गाएंगे, कोई इंग्लिश गा रहे हैं, कोई वेस्टर्न गा रहे हैं, ब्राज़ील से मेरे कुछ दोस्त आए हैं, रशियंस मेरे जो साथ म्यूजिशंस हैं जो स्टेज पे मेरे साथ प्ले करते हैं। एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी म्यूजिकल, 100% म्यूजिकल जो है। ऑलरेडी वी हैव पैक्ड द इंस्ट्रूमेंट एंड इसको म्यूजिकल बर्थडे बना रहे हैं। सर, बहुत मेहनत करके, बहुत स्ट्रगल करके आप यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपना कोई ना कोई करियर में फील्ड, कोई ना कोई फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उनको आप कैसे प्रेरित करेंगे, क्या इंस्पिरेशन रहेगी आपकी तरफ से? जो भी करें यकीन करके करें, क्योंकि यकीन कैन नेवर लूज। और जो ज़िद वाला पैटर्न है उस पर ना चलें, क्योंकि अग्रेशन जो है वो आपकी बॉडी का पावर को लूज़ कर देती है। जो अग्रेशन आपका स्टेमिना लूज़ कर देती है, स्टेमिना ख़त्म कर देती है, बल्कि लूज़ भी नहीं करती, ख़त्म कर देती है। और जो एक स्टेबल कंसिस्टेंसी की जो चाल होती है, जो एक स्थिरता होती है, उसकी चाल बड़ी गज़ब की होती है। तो बहुत ही स्टाइलिश होती है, बहुत ही मज़ेदार होती है। कई सारी इंफॉर्मेशन आप आराम से कलेक्ट कर सकते हो, जिसको आप स्ट्रगल कहते हैं, उसके सफ़र के दौरान अगर आपकी चाल में कंसिस्टेंसी है, यू कैन कलेक्ट मैनी ऑफ इंफॉर्मेशन टू प्रूव यूर सेल्फ वेरी स्पेशल। और अगर अग्रेशन रहेगी तो आप हड़बड़ाहट में यहाँ वहाँ वहाँ हाथ पाँव मारोगे, नथिंग इज़ गोइंग टू बी हैपेंड। सर, इस सफ़र में सिंगिंग के, बॉलीवुड में, पंजाबी में और दूसरे भाषाओं में, कौन मोटिवेटर्स रहे हैं जिन्होंने आपको प्रेरित किया और अच्छा काम करने के लिए? कौन वो इंस्पिरेशंस रहे हैं जिनके लिए आपने ये लगातार हिट, बैक टू बैक हिट्स देते रहे? बेसिकली मैं काफ़ी जगह से मॉरल होता हूँ, काफ़ी लोगों से मॉरल होता हूँ। मैं काफ़ी ऐसे शख्स हैं जिनसे मुतासिर रहता हूँ, काफ़ी ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं, स्पोर्ट्स की हैं, म्यूज़िक की हैं, और बिज़नेस पीपल हैं, हर कैटेगरी के इंसान को मैं समझता हूँ, महसूस करता हूँ, उनकी इंटरव्यूज़ पढ़ता हूँ, उनके थॉट्स समझता हूँ। मेरा एक प्रोसेस बहुत अच्छा कामयाब जा रहा है कि जो सुन सकता है वो समझ सकता है, जो समझ लेगा वो कर लेगा। आई डू लिसन वेरी नाइसली एंड लर्निंग प्रोसेस फॉर मी इज़ रियली वेरी इंटरेस्टिंग। आई डू लर्न एवरी डे, एवरी मोमेंट, एवरी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आई डू लर्न। इट इज़ रियली लर्निंग फॉर मी इज़ अ वेरी कम्फर्टेबल जॉनर, आई कैन नॉट गेट बोर ऑफ लर्निंग। और मुझे काफ़ी लोग मॉरल करते हैं, लता जी, आशा जी स्पेशली। आशा जी उन लोगों में से हैं जिन्होंने खुद को बनाया। लता जी इज़ ब्लेस्ड, बट आशा जी ने खुद को बनाया और इतना बड़ा बनाया कि आज उनको संगीत का हर एक प्राणी जो है अडोर करता है। आई कैन अंडरस्टैंड कि सेलिन डियोन, मारिया कैरी, विटनी ह्यूस्टन, ये जो पर्सनैलिटीज़ हैं वेस्टर्न की, बहुत अच्छा गाती हैं, बट नथिंग इज़ लाइक, नो बडी इज़ लाइक आशा भोसले जी। शी इज़ द बेस्ट इन दिस यूनिवर्स।
सर आशा भोसले का जिक्र हुआ है तो आप उनका एक गाना गुनगुना दीजिए आज। कौन सा कोई भी गाना गुनगुनाओ तो आशा जी का गाना तो पूरी दुनिया पूरा वर्ल्ड गुनगुनाता है। पिया तू अब तो आजा, क्या स्टाइलिश है। एक बार पर्सनली उन्होंने ये गाना मुझे सुनाया था, पिया तू अब तो आजा। दिस नोट व्हेन शी संग मेरा दिल किया कि मतलब मैं चिपक जाऊं उस औरत के साथ। ऐसी पर्सनैलिटी मैंने देखी नहीं। आशा जी जब गाती हैं आपको लगता कि आपकी ज़िंदगी में वाकई ही रोमांस हो आ गया है, आपको लगता कि आपका ज़िंदगी का मिजाज जो है रंगीन हो चुका है, आपको लगता है कि आप जीना शुरू कर चुके हो। आशा जी वी लव यू। सर ये जो म्यूज़िक की फील्ड रही है, जब आपने सोचा कि इसमें आप करियर बनाएंगे तो आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था उस पर? आई एम नॉट करियर ओरिएंटेड पर्सन एट ऑल, आई एम अ म्यूजिकल ओरिएंटेड पर्सन। मुझे मैं कभी मिशन बना के नहीं चलता, मुझे ट्रैवलर होने का बड़ा कंफर्टेबल फीलिंग है। ट्रैवलर एक यात्री होना मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, और ये किसी जगह पे अटेम्प्ट करना या किसी मकसद को हासिल करने की कोशिश करना वो मेरे पैटर्न में नहीं आता। मैं यात्री के तौर पर एक ट्रैवलर के तौर पर अपने आप को बहुत सहज बहुत कंफर्टेबल फील करता हूँ। सर आप अभी उम्र तो नहीं, उम्र की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन स्टिल आप बहुत फिट हैं, तो ये फिटनेस का राज क्या है? एप्पल खाओ, लेकिन मॉम देखने के बाद आपको एप्पल केयरफुली खाना होगा, सीड नहीं खाने सीड्स में साइनाइड होता है। एनीवे बट क्या होता है, फिटनेस बेसिकली होती है कि जब आप चार्मिंग रहते हो। चार्मिंग रहने का सबसे बड़ा फंडा ये है कि अगर आप किसी का चार्म नहीं छीनते हो तो। खुश रहने का तरीका ये है कि खुश रहने दो, और जो लोग आपको तकलीफ़ दर तकलीफ़ देते हैं कोशिश करें उस गली उस मोहल्ले को उस नगरी को उस एरिए को ही छोड़ दो। सर मॉम का जिक्र हुआ है तो मॉम आपने देखी, जैसे हम हमारी बात हुई, मैंने गाया भी है। हाँ तो सर मॉम मूवी आपको कैसी लगी? मॉम मूवी देखने के बाद मुझे एक चीज़ बहुत जो बेहतरीन लगी है वो ये लगी है कि जो टीनेजर्स हैं उनको ये सोचना होगा कि जिस उम्र के वो हैं उस उम्र के उनके माँ बाप भी तो रहे होंगे। अगर अब वो किसी बात के लिए आपको रोकते हैं तो आपको उस बात को अंडरस्टैंड करना होगा। सिर्फ आप ही टीनेजर नहीं हो, आपके माँ बाप भी टीनेजर रह चुके हैं, और इंजॉय करना सबका हक है, मस्ट इंजॉय, ऐसी बात नहीं है। बट कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ आपको दोनों कॉम्बिनेशन मिलते हैं, इंजॉय एंड प्रोटेक्शन। बहुत दबा के इंजॉय करो, बट कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं जो आप फिजिकली ज्योग्राफिकली रेंज से बाहर है, वहाँ आप अटेम्प्ट ना करें, वहाँ आप अवॉइड करें। लेकिन कुछ ऐसे अटेम्प्ट जिसमें आपको प्रोटेक्शन एंड एंजॉय का कॉम्बिनेशन मिलता है, फिर जम के खाओ पियो में ऐश करो सर। बट डू फॉलो योर पेरेंट्स आल्सो, क्योंकि ये कभी नहीं हो सकता कि आप ही टीनेजर हो, आपके माँ बाप भी टीनेजर रहे हैं। तो अगर वो कुछ कहते हैं तो वो उनके अपने एक्सपीरियंस से कुछ कहते हैं, बट हेजिटेट ना हो। अगर आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स ने आपको किसी बात को करने के लिए मना किया है तो डोंट फाइट विद देम, उनको बोलिए कि आप मुझे कन्विंस करिए, तो देन व्हेन दे विल कन्विंस यू देन यू अंडरस्टैंड देन यू कन्विंस देम, तो कॉम्बिनेशन बना के चलें, जिद ना करें, फिर जिद का फिर बहुत बुरा रिजल्ट होता है। सर कुछ चंद सवाल आखिरी के, कि आप शादी कब करें सर? वेरी गुड क्वेश्चन दोस्तों। 12 महीने के अंदर, देखिए कैमरा मेरे मुंह पे आ गया, आप ये मेरी रग रग का एक्सप्रेशन बताना चाहते हैं लोगों को। इट्स नॉट अ जोक, इट इज़ नॉट अ जोक नाउ, बिकॉज पूरी दुनिया मेरे पीछे थी, अब मैं अपने पीछे पड़ गया हूँ। आई एम नॉट टेकिंग इट लाइटली नाउ, इट शुड हैपन, इट इज़ गोइंग टू बी हैपन, शुड बी इन दिस 12 मंथ इट इज़ गोइंग टू बी डन। एंड डन का मतलब कोई ऐसा काम नहीं होगा कि बहुत कुछ अनर्थ होने वाला है मेरे साथ, हो जाएगा आराम से, सहज तरीके से होगा, बड़ा ब्यूटीफुली होगा, रीति रिवाज के साथ होगा, और हो जाएगा तो मैं भी सुकून की नींद लूँगा। और रहमान के साथ जितने भी अभी मैं रिसेंटली गाने गा रहा हूँ, वो गाने के पहले मेरे से कस्में दिलवाना शुरू कर दिया उसने, तो वो भी ज़रा कम हो जाएगा, बट इट इज़ गुड, आई थिंक सो। कोई ख़ास एक रीज़न था
जिसको मैं शेयर नहीं कर सकता, जिसकी वजह से मैं रुका था, बट मेरे को अभी आई एम कन्विंस्ड कि वो स्टूपिड पन था, नहीं आई हैव टू। सर आगे आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या हैं, किन चीज़ों पर आप काम कर रहे हैं, अगर आप शेयर कर सके तो? फ्यूचर एक बड़ा इंटरेस्टिंग गाना भी अजय अतुल का हुआ है, आनंद एल रॉय जो शाहरुख स्टारर फिल्म है जिसमें एक गाने में सलमान भाई ने भी अपीयरेंस की है, वो गाना इतना इंटरेस्टिंग है। एंड वन अनदर सिंगल इज़ कमिंग विद रहमान एंड टॉयलेट एक प्रेम कथा, आई एम वेटिंग फॉर दैट फिल्म, सो गुड कंटेंट, फैंटेबुलस कंटेंट। स्वच्छ भारत अभियान को लेके उन्होंने लव स्टोरी को कंपाइलिश करके इतना इंटरेस्टिंग, इतना मोटिवेट बनाया फिल्म को, मैंने थोड़े से पार्ट्स देखे हैं, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एंड अक्षय जी ऑलवेज डू, अक्षय कुमार इज़ नोन फॉर मैनी मैनी वर्सटाइलिटी वाला एक्टर, इज अ वेरी गुड। एंड देर आर अदर ऑल्सो, मेरे को बाई नेम आई एम नॉट रिमेम्बरिंग इट, बट द थिंग्स आर हैपनिंग वेरी गुड। सर बहुत सारी भाषाओं में आपने गाना गाया, तो सबसे डिफ़िकल्ट आपके लिए कौन सी भाषा रही है अडेप्ट करना? तमिल इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी, बट तमिल इट सेल्फ इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट फॉर द पीपल हु लिव्स इन तमिल नाट, बट उसको भी मैं कर पाया इसलिए कि छैया छैया गाने से पहले रहमान साहब ने मेरे को जो गाना गवाया था वो तमिल में था, एंड इट वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉज शॉक्ड जब मेरे सामने गाना आया लक्की लक्की लवपन ने तेरे जानी लक्की इरंडुमान से शुरूपन्नी कादल कुंजम नी लक्की, सॉरी मेरा एक्सेंट रॉन्ग होगा दोस्तों, बट इट वॉज रियली वेरी डिफिकल्ट। देन आई डिड दैट फंडा की वन टाइम वन जॉब, व्हेन आई डिड दैट द सॉन्ग वॉज डन। तो आपके साथ एक मैंने बहुत अच्छी बात भी शेयर कर ली है कि तमिल का गाना जब गाने के लिए मुझे अपॉर्चुनिटी मिली रहमान से, आई कुड हैव सेड नो टू हिम बट आई सेड नो आई विल सिंग इट, एंड दैट सॉन्ग वॉज पिक्चराइज्ड ऑन एस पी बालासुब्रमण्यम साहब, दैट माई वॉइस वॉज गिवन टू एस पी बालासुब्रमण्यम, ही वॉज एक्टिंग इन अ फिल्म रक्षगण। तो वन टाइम वन जॉब का फंडा हो तो आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि जो भी करे वो बहुत बेहतरीन और अप्रिशिएट वाला हो। सर चलते चलते हमारे दर्शकों के लिए या आपके खुद के बर्थडे के लिए गाना गुनगुना दीजिए। हे उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, बर्थडे की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। सर हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे साथ सुखविंदर सिंह जी, जिनका जन्मदिन 18 जुलाई को आ रहा है। जैसे इन्होंने कहा कि दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए, तो हम भी यही कामना करते हैं कि उनकी सिंगिंग की पतंग हमेशा उड़ती रहे और वो नए नए मुकाम हासिल करते रहें। कैमरामैन सुभाष के साथ अश्विन शर्मा, तहलका 24 न्यूज़, मुंबई।